अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। आज जी एक और एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं और वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये ब्लैक कलर की बीतल बकरी है। तकरीबन हम ये लेके आए हैं, हमारे पास इसको हो गए हैं तकरीबन डेढ़ एक महीना, पौने दो महीने होने वाले हैं, डेढ़ एक महीना हुआ होगा मुश्किल से। और जब ये हमने ली थी तो उन्होंने हमें ये बताया था कि 3.5 महीने की बकरी तैयार है और ये बच्चे देगी। तो हमने अपनी जो भी एहतियात थी वो हमने की हैं और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का हमने प्रॉपर इस्तेमाल किया। हवाना इसने काफ़ी दिनों से बनाना स्टार्ट किया हुआ था और आज कंडीशन ये है कि मैं आपको चेक कराता हूँ। जो बकरी ये अब बिल्कुल तैयार है, ये अब किसी टाइम में आज रात में ये डिलीवर करेगी। तो ये एक तो मैं आपको निशानियाँ दिखाने जा रहा हूँ और दूसरा कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर। वैसे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बात की हुई है, बताई हुई है। ये देखें, ये इसके गड्ढे पड़ गए हैं दोनों साइडों पे, ये भी और दूसरी साइड पे भी। ये इसने अपनी जगह छोड़ दी है और उसके अलावा ये आप ये देखें पीछे जो धूम वाली जगह है, ये देखें बहुत वाजे ये गड्ढे पड़ गए हैं इसके। ये बड़ी बकरी है, इसके ज़रा ज़्यादा है, प्रोमिनेंट है, छोटी बकरियों के इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये जगह काफ़ी उनकी होती है। और ये अगर आप देखें पीछे, मैं कोशिश करता हूँ, अभी वैसे इसने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है लेकिन ये साइड लाइन हो गई है और अभी तक फ़िलहाल ये ड्राई है। पीछे से कोई भी इसने मवाद वगैरह नहीं गिराया और थन ये देखें इसके बिल्कुल भर गए हैं। फिर काफ़ी दिनों से इसने स्टार्ट किए हुए हैं और गड्ढे देखें दोनों साइडों से इसको पड़ गए हैं। तो अब नॉर्मली जब ये हमारे घर की अगर ये बकरी होती तो हमने इसको ऑक्सीटॉक्सन लगा के बच्चे ले लेने थे, लेकिन अब इसकी जो कंडीशन है इसका मतलब यही है कि ये अभी घंटे बाद, दो बाद, या आज रात में, या हो सकता है ये आज रात निकाल दे और कल दिन में हमें बच्चे दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुबह ईद है और सारी रात हम पैरा नहीं दे सकते हैं। कैमरे हमने लगाए हुए हैं वैसे इसी काम के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ हमारी मसरूफियत, निजी मसरूफियात रही हैं कल रात में भी और आज दिन में भी, और रात का टाइम जो है वो हम नहीं कर सकते। तो हम इसको ऑक्सीटॉक्सन लगाएंगे अभी और ऑक्सीटॉक्सन लगा के हम इससे बच्चे अभी ले लेंगे। बकरी का वेट नहीं करेंगे हम बच्चे ले लेंगे। नॉर्मली हम इस तरह की जो बकरी है जो हमारे घर की नहीं है, इससे हम इस तरह का काम नहीं करते हैं क्योंकि हमें डेट कंफर्म नहीं होती, दिन कंफर्म नहीं होते। अगर ये हमारे घर की होती हमें पता होता आज इसके 145 डेज़ पूरे हो चुके हुए हैं और आज 150 डेज़ है या 148 डेज़ है, 148 दिन हो गए हैं या 145 दिन से ऊपर है। अगर 145 दिन से कम हो तो फिर हम इसको प्रोजेस्टेरॉन लगा के रोकते हैं, लेकिन अब इस वक्त हम इसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इसको डेढ़ एक महीना, पौने दो महीने हो चुके हैं और टाइम बकौल व्यापारी के जिस तरह हमने ली हैं जिनसे, फार्मर से, उनके बकौल अब इसका टाइम फिर पूरा है। तो इसलिए हम ऑक्सीटॉक्सन लगा के तो इससे एक्सपेरिमेंट करके और बच्चे ले लेंगे। ये अभी आपको लगाएंगे हम 2 ml और आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो इसका आसान हल यही होता है कि आप ऑक्सीटॉक्सन लगाएं और बच्चे आप टाइम पे ले लें, या अगर बकरी बैठ के ज़ोर लगाना स्टार्ट कर दे तब भी ये भी पॉसिबल है कि अभी हम इसको ना लगाएं और थोड़ा वेट कर लें बकरी का। जैसे ही बकरी बैठे ज़ोर लगाना स्टार्ट करे तो फिर हम इसको ऑक्सीटॉक्सन लगा दें और इससे बच्चे ले लें, क्योंकि अभी तक ये इसने ड्राई है, ना इसने कुछ पीछे से लिक्विड जारी किया है और ना ही कुछ डिस्चार्ज किया है मादा, और ना ही ज़ोर लगा रही है फ़िलहाल, लेकिन साइड हो गई है, खाना पीना इसने छोड़ दिया है और एक साइड पे ये होके आराम से खड़ी हो गई है। तो और दुम की भी देखें डायरेक्शन इसकी बिल्कुल चेंज हो गई है। ये सारी निशानियां हैं बकरी की कि ये करीब है, डिलीवरी के करीब है। अभी बैठ के ज़ोर लगाना स्टार्ट करती है और हो सकता है ये भी रात निकाल जाए, लेकिन क्योंकि फिर सारी रात हमें जागना पड़ेगा, पैरा देना पड़ेगा। तो हम इससे अभी इंजेक्शन लगा के इससे बच्चे ले लेंगे और ताकि उनको घंटे दो घंटे के अंदर हम संभाल के और इजी हो जाए। ठीक है जी,
ये आपके साथ फिर शेयर करेंगे। अभी हम इसको इंजेक्शन लगाएंगे और आपके साथ फिर डिटेल सारी शेयर करेंगे। ये जी ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन है, दूध वाला इंजेक्शन भी इसको बोला जाता है। ये जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, जैसे इसको हो चुकी हैं लेकिन अभी तक ज़ोर नहीं लगा रही है, लेकिन महसूस किया जा सकता है कि ये इसकी स्टार्ट हो चुका है मामला, और ये अब हम इसको लगा देंगे। अभी इस वक्त तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है। हाँ जी बिल्कुल 8:30 बजे का टाइम है इस वक्त। 8:30 बजे हम ये इसको लगा रहे हैं, तो हमें उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला 10:30-11 बजे तक हम बचे बुचे संभाल के स्पेयर हो जाएंगे, अगर इसका टाइम पूरा है तो। अगर खुदा ना खास्ता कुछ और मसला हुआ, वैसे जिसके चांसेस कम हैं क्योंकि हमने प्रोजेस्टान का बकायदा इस्तेमाल करवाया है 4th महीने में भी, क्योंकि हमारे पास की हमारी बकरी नहीं थी, ये बाहर से आई हुई थी, तो हमने ऑक्सीटॉक्सिन इसको लगाया है। लास्ट 15 डेज से हमने नहीं लगाया, क्योंकि उस वक्त ये तैयारी शुरू कर चुकी हुई थी, तो आखिरी 15 दिन आप समझ लें कि हमने इसको ऑक्सीटॉक्सिन नहीं लगाया। अब वो प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल नहीं कराया, उससे पहले हमने करवाते रहे हैं मुसलसल, जब से ये हमारे पास आई है 10 दिन के बाद हम करवाते रहे हैं। तो हमें उम्मीद ये है कि ये अब अपना टाइम पूरा कर चुकी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का हमने रेगुलरली इस्तेमाल किया है। तो ये अब हम अल्लाह का नाम लेके इसको ऑक्सीटॉक्सिन लगा रहे हैं। 2 ml ये लगाएंगे। इसके लगाने के बाद तकरीबन आधे घंटे से 1.5 घंटे तक, आधे घंटे घंटे 45 मिनट के अंदर तकरीबन बकरी बच्चे दे देती है। तो ठीक है जी, ये फिर इंशाल्लाह जैसे डिलीवरी करती है वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये जी ऑक्सीटॉक्सिन लगाए हुए हमें तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, और बकरी बैठ गई है, ज़ोर लगाना स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद है कि कुछ दिन में हमें बकरी डिलीवर कर देगी और बच्चे दे देगी। तो डिलीवरी का प्रोसेस तो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके साथ बच्चे फिर हम शेयर करते हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह इसने नागरा फीमेल एक आई है, पट आई है हमारे पास, 1 किड अभी फ़िलहाल इसने डिलीवर किया है। उम्मीद है कि 1 किड और शायद देगी। बकरी बड़ी हाइट वाली है, तो 2 बच्चे तो उम्मीद है कि देगी। 3 की हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, लेकिन चांस नहीं है ज़्यादा। नॉर्मली बकरी 2 बच्चे देती हैं। अब ये देखें, बीतल बकरी है ब्लैक कलर की, और बच्चा इसने प्योर नागरे में दिया है। ब्रीडर जैसा था वैसा बच्चा हमें मिला है, नागरा प्योर में बच्चा आया है। तो ये बकरी को भी हम कुछ इंजेक्शंस इस्तेमाल कराएंगे, वो आपको शेयर करेंगे, और बच्चों को भी हम लगाएंगे इंजेक्शंस। और खाना हमने ये बकरी को दिया हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, दूसरा बच्चा भी इसने डिलीवर कर दिया है। दोनों नागरे में हैं, 1 मेल और 1 फीमेल हैं। 2 बच्चे माशाल्लाह इसने डिलीवर किए हैं, दोनों हेल्दी हैं। बच्चों को हम इंजेक्शंस लगाएंगे, इनक्योर 10 का शॉट देंगे और साथ में MAY-COM का शॉट देंगे। और बकरी को हमने ऑक्सीटॉक्सिन ऑलरेडी लगाया हुआ है, साथ में हम इसको डेक्सामेथासोन लगाएंगे, क्योंकि इसकी फ़र्स्ट डिलीवरी नहीं है। अगर फ़र्स्ट डिलीवरी होती तो फिर हम इसको पेन किलर इंजेक्शन इस्तेमाल कराते, साथ में इनक्योर 10 भी इस्तेमाल कराते, क्योंकि नॉर्मली बकरियां जो फ़र्स्ट टाइम होती हैं उनको साथ में बुखार की शिकायत आ जाती है, टेम्परेचर हो जाता है डिलीवरी के बाद। तो ये भी इंजेक्शन आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो बस इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो हम क्लोज़ करते हैं। इनक्योर 10 हमें अवेलेबल नहीं था, तो एनरोफ्लेक्सेसिन की फार्मूलेशन में 10% ये हमारे पास है, MAY-COM है, और ये एनरोफ्लेक्सेसिन 1 पॉइंट लगाना है बच्चों को, और MAY-COM 0.5 लीटर। ये डेक्सामेथासोन हम लगाएंगे बकरी को 3 ml तक। तो इसके बाद ये बकरी काफ़ी सहूलत रहती है, डेक्सामेथासोन से काफ़ी सारा अमल तेज़ी से हो जाता है, और ये ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन जो हमने पहले इस्तेमाल कराया है, डेक्सामेथासोन हेल्प आउट करता है बकरी की जेर गिराने में, और कोई किसी किस्म की हमें परेशानी फेस नहीं होती, बकरी आराम से जेर गिरा देती है। और एनरोफ्लेक्सेसिन और MAY-COM ये 2 फार्मूलेशन ऐसी हैं जो बच्चों को के लिए ये पहला हिफाजती टीका है, बहुत ज़रूरी है। ये दूध पिलाएं ना पिलाएं, जल्दी इंजेक्शंस लगाने में देर मत किया करें। ये अब हमने लगा दिए हैं दोनों बच्चों को इंजेक्शंस। इसके बाद अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि अगर बकरी ने कुछ और डिलीवर करना है तो कर दे, या फिर हम बच्चों को दूध पिलाएंगे।